तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंटर स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुका है। तो आप जानना चाहते हैं कि किस तरह ऑनलाइन किया जाता है, तो बने रहिए आज के इस पूरे वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप इसके लिए बिहार बोर्ड के ई कल्याण वेबसाइट पर आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है स्कॉलरशिप का ई कल्याण, इस पर आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ई पोर्टल खोलेगा। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, आप सीधे इसी पेज पर आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए कुछ एक्सेप्ट करने के लिए दिया गया है, तो सब कोई एक्सेप्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, हम कर लेते हैं फटाफट। एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, आप इसे मार्कशीट से ही भरिएगा दोस्तों, तो अदर डिटेल नहीं डालिएगा। अब आपका आधार कार्ड और मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए दोस्तों, वरना आपका पैसा नहीं आएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से भरना है, आप पूरे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए दोस्तों। और उसके बाद आपके नाम मांग रहा है, तो अपना इसमें नाम डालिए जो सर्टिफिकेट पर है, मार्कशीट पर। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ डालिए दोस्तों, और आपका टोटल मार्क कितना आया है वो डालना है इसमें। और देख सकते हैं दोस्तों, आप मैरिड है कि नहीं, तो इस पर नो कीजिएगा, क्योंकि जो मैरिड रहते हैं उनको इसको लाभ नहीं दिया जाता है। अब अपना आधार नंबर डालिए दोस्तों, जो आधार में नाम है वो यहाँ पे डालना है। और जेंडर तो आप लोग जानवे करते हैं कि सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है इंटर स्कॉलरशिप, तो वही डालना है यहाँ पे। ऑटोमेटिक डाला हुआ है यहाँ पर जेंडर फीमेल, क्योंकि इसका लाभ लड़कों का नहीं दिया जाता है। और यहाँ आधार नंबर डालना है, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, और इसका बाद वेरीफाई कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा। और फिर आगे इसके आगे मोबाइल नंबर इसमें डालना है, और यहाँ पर जनरेट ओटी पर क्लिक कीजिएगा, तो एक ओटीपी जाएगा आपका मोबाइल पर। उसके बाद सबमिट कीजिएगा, तो आगे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है दोस्तों। अपना ईमेल आईडी डालिएगा, तो उस पर भी एक ओटीपी जाएगा दोस्तों, तो इस पर भी सबमिट कर दीजिएगा। और उसके बाद आगे बैंक का डिटेल मांगा जा रहा है दोस्तों, तो अपना बैंक का डिटेल सही सही भरिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आईएफएससी कोड मांगा जा रहा है। यहाँ बैंक नेम अपने आप ले लेगा दोस्तों ऑटोमेटिक। और इसमें बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, और इसमें कंफर्म करने के लिए मांगा जा रहा है दोस्तों। इस पर करके क्लिक कीजिएगा, तो आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन किए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही अपलोड मार्कशीट सर्टिफिकेट खोज रहा है, तो अपना मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड खोज रहा है, तो अपना आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों साइड अपलोड करके रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक कीजिएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद कुछ दिन में आपके मोबाइल और ईमेल पर जो भी दिए हैं आप, उस पर एक आईडी और एक पासपोर्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद अगला प्रोसेस करना है लॉगिन करके उसको, और अपना प्रोसेस आगे जारी रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यूजर आईडी और पासपोर्ट, तो उसी को लेकर फिर आगे लॉगिन करना है दोस्तों। लॉगिन करके अपना जाति आवासी जो भी लगता है, इसमें जाति आवासी आय लगता है दोस्तों, तो आप लोग बनवा लीजिएगा। और उसके बाद अपलोड करना है, आगे खोजेगा वो सब जाति आवासी डॉक्यूमेंट के तहत में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगला बार जब अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट आएगा, तो हम एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।